Yeah, so penetrance match with actually B goes with first one. Yes, so percentage of cases in which if a specific gene is present, particular trait, characteristics or disease will actually manifest itself in the fully developed organ. That is a penetrance, okay? Disease will actually, ठीक है, disease will itself the fully developed organism. So, आपका टी का जो हो जाएगा वो फर्स्ट वन हो जाएगा. देन कॉनकॉर्डेंस हम लोग कर चुके थे, कॉनकॉर्डेंस रिलेशनशिप बिटवीन ट्विन्स और अदर फैमिली मेम्बर्स. ओके, दिस वन. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, प्रीवेलेंस. प्रीवेलेंस, सो प्रीवेलेंस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस. व्हाट? प्रीवेलेंस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ गिवन कंडीशन अमंग अ सर्टेन पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन DSM-5. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सिग्निफिकेंट चेंजेस के बारे में बात कर रहा है. जो चेंजेस हुए हैं उन्हीं को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जिसको जो चेंज नहीं हुआ है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो सिंपली हम देखते जाते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं. द टाइटल टाइटल ऑफ द मैनुअल इज नॉट DSM-5 बट DSM-5, ठीक है. दैट इज नॉट अ रोमन नंबर DSM-5 बट अ नंबर DSM-5 डेलीवेट शिफ्ट ऑफ ट्रेडिशनल रोमन नंबर न्यूमरल्स यूज इन प्रीवियस. ये स्टेटमेंट सही है. मल्टी एक्सल असेसमेंट असेसमेंट सिस्टम अ सेंट्रल फीचर ऑफ DSM सिंस इट्स इंट्रोडक्शन DSM-3 इन 1980 हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑल टुगेदर फ्रॉम DSM-5. तो क्या ड्रॉप कर दिया गया है? मल्टी एक्सल असेसमेंट अ सेंट्रल फीचर जो था DSM सिंस इट्स इंट्रोडक्शन कब हुआ था 1980 में, हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑल टुगेदर फ्रॉम DSM-5. ओके, सो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. DSM-5 authors have overhauled the manual to emphasize neuropsychological or biological roots of mental disorder. DSM-5 authors जो overhaul करा है, the manual emphasized to neuropsychological and biological roots of mental disorders, right? And DSM-5 authors have removed 5 of 10 personality disorder previously included in that section. Dropped or disorders are paranoid. किस किस को? Paranoid, schizoid, histrionic, डिपेंडेंट एंड नार्सिसिस्टिक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, ए बी सी करेक्ट एंड डी ए बी सी इज करेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट. सो दिस वन कोड में जो ऑप्शन है आपका वो फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा. Okay, now question number 11. Which of the following explanation the threshold hypothesis regarding intelligence creativity relationship? There is a positive correlation between intelligence and creativity. It is wrong. There is a positive correlation between intelligence and creativity up to a particular level of intelligence. It's wrong. There is a positive correlation between intelligence and creativity beyond a particular level of intelligence. It's wrong. So now move on to the last one. There is a negative correlation between intelligence and creativity beyond a particular level of intelligence. It's correct. Okay, so beyond a particular level, it's a negative correlation. Okay, so the positive, then it's a negative correlation. So option number 4 is correct, hence all the 1, 2, 3 is incorrect. So now move on to the next one. Yes, that is again a match list question. So concept and description over here. So first we need not to confuse. और हमें क्या करना है? सबसे पहले वी रीड आउट कॉन्कॉर्डेंस, पेनिट्रेंस, प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस. तो इन माई माइंड सबसे पहले जो क्लिक करेगा इंसिडेंस. सो इंसिडेंस इज समथिंग न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन डिसीज अराइजिंग ड्यू अ पर्टिकुलर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो दैट इज इंसिडेंस. सो इंसिडेंस वी मैच विद ऑप्शन नंबर 3. सो यूज एलिमिनेशन मैथड. तो देखिए डी अगर आप 3 से मैच करते हैं तो आंसर मिलता है या नहीं. यस, इट्स हियर दिस वन. ये एलिमिनेट हो जाएंगे आपके तीनों, तो इजीली यू फाइंड आउट इट. सो नाउ मैच विद अनदर वन. इंसिडेंट्स मैच विद दिस एंड प्रीवेलेंस. प्रीवेलेंस इज प्रीवेलेंस. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ गिवन कंडीशन कंडीशन अमंग अ सर्टेन पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस. सो प्रीवेलेंस इज समथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस. सो सी मैच विद 4th एंड डी मैच विद 3rd हियर. And penetrance, if we talk about the penetrance, so percentage of cases in which if a specific gene is present, particular trait, characteristics or disease will actually manifest itself in the fully developed organism or fully grown organism. Okay, and concordance match with this one. Relationship between the twins or other family members with respect to given trait. So that is how to tackle the questions at the time of exam hall. So jaise ki aapka time bhi zyada
वेस्ट नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंट चेंजेस. आपको ये की पॉइंट्स को, की वर्ड्स को याद रखना है कि आप करने क्या वाले हैं. DSM-5 से ये सारे इनकॉर्पोरेटेड है. ओके, ये सारी जो स्टेटमेंट है वो सभी सही है DSM-5 को लेकर के, बट इसमें बोला है सिग्निफिकेंट चेंजेस जो अभी हुए हैं. ओके, सो नाउ लेट्स चेक आउट. द टाइटल ऑफ मैनुअल इज DSM-5 नंबर 5. ओके, सो इट्स करेक्ट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. मल्टी एक्सल असेसमेंट सिस्टम अ सेंट्रल फीचर ऑफ DSM-5 सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इन DSM-3. ओके, इन 1980. सो हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑल टुगेदर फ्रॉम DSM-5. ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट. दोनों करेक्ट हो गए. DSM-5 ऑथर्स हैव ओवरऑल द मैनुअल टू एम्फसाइज न्यूरो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रूट्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. ठीक है, सो इट्स ऑल्सो करेक्ट. DSM-5 ऑथर्स हैव रिमूव 5 ऑफ 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स प्रीवियसली इंक्लूडेड इन दैट सेक्शन. ड्रॉप्ड डिसऑर्डर्स आर पैरानॉइड, शाइजोनॉइड, हिस्टोनिक एंड डिपेंडेंट एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. येस, इट्स इनकरेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू DSM-5 इट्स करेक्ट, बिकॉज मैंने पहले बता दिया था ऑल द ऑप्शन विच इज़ गिवन एवर हेयर, ये सभी उसमें इंक्लूडेड हैं, सभी उसके अंदर हुआ है. ओके, बट अभी जो चेंजेस के बारे में हम बात करें तो उसमें जो आपका ऊपर के तीनों हैं वो चेंजेस हुए हैं, बट ये दे एक्चुअली ऑथर डिसाइडेड दैट बिफोर इट कि इसको हम लोग ड्रॉप आउट करते हैं, बट लेटर दे रिटेन इट. तो ये अभी भी उसमें है. ठीक है, ये हटाया नहीं गया, दैट इज़ नॉट अ चेंजेस, ये उसमें है अभी. ओके, बाकी जो ऊपर दिए थे दैट इज़ चेंजेस, बट ऑल फोर ऑप्शन इज इन द DSM-5, उसी से रिलेटेड. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. तो ऑप्शन नंबर एक्चुअली ABC आर करेक्ट एंड D आर इनकरेक्ट. दिस ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेट एंड डी नेट. सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द ट्रेड थ्योरीज मॉडल्स इज आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्टर एनालिटिकल मैथोलॉजी. फिर अगेन बता रही हूँ, क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा. नॉट बेस्ड ऑन पूछा है, अगर आप इसे नॉट पर कंसिड्रेशन नहीं रखेंगे तो आप क्या होगा, एनालिटिकल मैथोलॉजी को करेक्ट कर देंगे. ठीक है, सो फैक्टर एनालिटिकल मैथोलॉजी को कौन है, कॉस्टा एंड मैक्यूरी मॉडल्स, गोल्डबर्ग्स मॉडल एंड आइसिंग्स थ्योरी. ठीक है, दीज 3 आर रिलेट विद द फैक्टर मैथोलॉजी, बट ऑलपोर्स थ्योरी इज नॉट रिलेट विद दिस. ओके, सो दिस वन इज इनकरेक्ट, बट वॉट द क्वेश्चन आस्क अस, द इनकरेक्ट वन. सो वॉट वी फाउंड इट, ऑलपोर्ट्स थ्योरी. सो ऑलपोर्ट्स थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्टर एनालिटिकल मैथोलॉजी, बट कॉस्टा मैक्यूरी मॉडल, गोल्डबर्ग्स मॉडल एंड आइसिंक थ्योरी इज रिलेटेड विद द फैक्टर एनालिटिकल मैथोलॉजी. ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ओवर हियर. द फैक्टर्स दैट ऑपरेट विद डीप लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग आर डीप लेवल. इफ वी टॉक अबाउट द डीप लेवल, ऑपरेट द डीप लेवल, फैक्टर्स दैट ऑपरेट डीप लेवल्स आर डिस्टिंक्टिवनेस, this one, and elaboration. Distinctiveness or something is distinct in something or elaboration. ठीक है, तो deep levels process करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, distinctiveness and elaboration. So option number A and C correct, this one. Yes, now next question number 16. Observation and learning involves following processes, arrange them in correct sequence. So attentional process, retention process, production process, motivation. It's a direct question. Okay, all is a correct sequence, correct order. Okay, attentional, retention, production and motivational. It's just a social, actually Bandura social learning. Okay, that is related with the Bandura social learning. So that is correct option here, ABCD, direct matching here. Okay, so now move on to the next one. Key issues are study of environmental effects on intelligence are. So key features, key issues, study of environmental effects. किसके बारे में बात हो रही है, study of environmental effect के बारे में बात हो रही है, यानी कि study environmental effect जो है किसके ऊपर है, intelligence के ऊपर है, this one, intelligence. तो वो क्या रहेगा, reaction range is right, proximal distal causation, collinearity is right. But environment sphere का क्या मतलब है, intelligence के ऊपर बात हो रही है ना, study of environmental effect की, तो reaction range, proximal and distal causation and collinearity is right. A, B, C are correct and D is incorrect. So A, B, C only. एक्चुअली एनवायरमेंट स्फीयर इज़ जस्ट गिविन फॉर यू दैट कि आप अगर थोड़ा सा भी आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप उसे करेक्ट कर दें. ठीक है,
So now move on to the next question number 18. Assertion reason again. According to two factor theory, cognitive appraisal of cues in the environment helps the individual label the emotions. Correct. An individual is aroused when he confronts any emotion producing event. Okay, so we talk about the question according to that, how do we tackle. So first of all, we just feel like that first we focus on the statement. So both the statement are correct, assertion reason correct. Theek hai. Second, reason is correct explanation of assertion. What hum dono ko one by one check karenge. Pehle hi dono statement correct hona chahiye. An individual is aroused when he confronts any emotion producing event. So both are correct and reason is also correct explanation of assertion. Sorry. So this one is right. So now move on to the next question number 19. Whether we can be affected by stimuli that remain outside our conscious awareness has been examined by researchers using a technique called priming. This one. Okay, so priming is correct because what in our unconscious mind and what is outside our conscious mind. So what is conscious and unconscious mind having ideas about any word or terms. So that is a priming. Theek hai? If we know the yellow and we know the banana. So if we know already yellow, so we just recognize the banana easily, or that banana word is get fast. Okay, or if we know before the yellow, the banana, so then we easily connect that with the word yellow. Theek hai? So that is the meaning of priming. What is in our conscious awareness, what is outside of our conscious mind. So that is related something that priming. What is the meaning of priming? Priming is exposure to something that influence our behavior later on it. So without it, individual being aware of the guidance influence. Theek hai? So that is the meaning of priming. So come to the next question, question number 20. Which of the following sequences depicts Erikson's stages of development correctly? First, I just want to tell you that there is a 8 stages of Erikson, stages of development in humans. So you need to be read it. Matlab learn to hui jayega agar aap ek baar usse padh lenge, that is very easy. It's just about that the development of a human. That is the Erikson's stages of development. Okay, so now what the question asks us? Stages of development pucha gaya hai. So here is first option, oral sensory, muscular renal, locomotor genital, latency, adolescence and adulthood. It's correct. Okay, so now move on to the next one. Question number 21. Concept and descriptions. So magnocellular system, parvocellular system and Fourier analysis and coincidence detectors. So I know all the options, but here what the first thing is triggered my mind is coincidence detectors. What is it? Coincidence detectors, neurons that fire most when they receive input from both ears at the same time. That is a coincidence detectors. And now the option D is related with third. So dekh lete hain elimination method use karke. Yes, dekhiye friends, D third is ye eliminate ho gaya, ye bhi eliminate ho gaya. It's one correct. Theek hai, how easy it is, how easy. Okay, so now chaliye ab karte hain, match kar lete hain. Fourier analysis of complex wave into sine wave components is just really very important. Okay, so Fourier analysis of a complex wave into sine wave components. Okay, next one is magnocellular system. Magnocellular is specialized for brightness contrast and for movement. And parvocellular system is discrimination of fine detail and color. So that is the explanation of it. Now move on to the next one. Yes, it's again match list, concept and description. So yes, it's just like a definition or explanation of that terms. So inductive thought, logical thought, deductive thought and illogical thought. First is striking in my mind is illogical thought, that is related to haphazard thought, that is initiative and haphazard. Okay, that's related with first. And next is clicking in mind, logical thought. Logical thought is just drawing conclusions on the basis of principles of learning.
okay, something, if we are talk about that logical, okay, so drawing conclusion on the basis of principles of learning, that is. ओके सो फ्रॉम दिस एनी वन हम कुछ भी लेते हैं. डी का सबसे पहले हमने मैच किया था इलॉजिकल थॉट विद हैपजार्ड, तो डी का फर्स्ट, इसे हम ट्रिक को यूज़ करके देखते हैं वर्क करती है या नहीं. यस, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में इसने हमें, सॉरी, यस, दो ऑप्शन को इसने एलिमिनेट करने में हमें मदद की है, दिस वन एंड दिस वन. और अब हम देखते हैं डी का फर्स्ट एंड फर्स्ट है, सी का अगर हम देख लेते हैं या किसी एक और को हम गैस कर लेते हैं तो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा. ओके सो लॉजिकल हम चेक कर चुके थे, लॉजिकल हो जाएगा आपका बी का थर्ड ऑप्शन, हम लोगों ने किया था. देखिए बी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट, बट यहाँ पे देखिए दोनों दोनों को करने से नहीं हो रहा है, बट इसमें कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभी ही ऐसे मिलेंगे आपको, नॉट एन एवरी टाइम. सो हम लोग डिडक्टिव थाट, इंडक्टिव थाट, लॉजिकल एंड लॉजिकल की बात करते हैं. इलॉजिकल में हम कर चुके थे हैपजार्ड एंड इनिशिएटिव, तो लॉजिकल थाट देख लेते हैं. तो व्हाट इज़ लॉजिकल, ये हो गया आपका लॉजिकल इलॉजिकल. इसके बाद में हम डिडक्टिव देख लेते हैं. डिडक्टिव में होता है जनरल टू स्पेसिफिक, एंड इंडक्टिव में होता है स्पेसिफिक टू जनरल. ठीक है, तो डिडक्टिव थाट हो जाएगा आपका दिस वन, दैट अप्लाइज द जनरल सेट ऑफ रूल्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन, जनरल टू स्पेसिफिक जो मैंने बताया आपको. एंड इंडक्टिव थॉट आपका मैच हो जाएगा किसके साथ में, स्पेसिफिक टू जनरल. तो थिंकिंग इन विच अ प्रिंसिपल इज इन्फर्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू, वो जनरल हो जाएगा. सो ठीक है, तो इसके साथ में आपका ऑप्शन हो जाएगा डिडक्टिव का, हो जाएगा आपका सी का सेकेंड. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ट्रिक से देख लेते हैं, सी सेकेंड, सो दैट इज फोर्थ वन. ओके सो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट ओवर हियर. इट इज़ ओनली वन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इन एग्जामिनेशन टाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर्स हैव अ लाई स्केल. ठीक है, सो लाई स्केल पे अगर हम क्वेश्चनायर की बात करते हैं, पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर है लाई स्केल. सो व्हाट इज लाई स्केल, आई सिंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर एंड मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर MMPI. ओके सो दैट इज बी एंड सी आर करेक्ट ओवर हियर, बी एंड सी. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24th. सो दैट इज स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब विच आर करेक्ट. आर्किटाइप्स आर थीम्स दैट हैव एग्जिस्टेड इन ऑल कल्चर्स थ्रू हिस्ट्री. ओके राइट, पर्सनल अनकॉन्शियस इन द रीजन नेक्स्ट टू ईगो विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉरगॉटन एक्सपीरियंसेस दैट हैव लॉस्ट देयर इंटेंसिटी. करेक्ट, मस्कुलिन आर्किटाइप इन मैन इज कॉल्ड एनिमस. नो, इट्स नॉट करेक्ट. I just tell you why it's not correct. Persona is a compromise between demands of the environment and necessities of individual. Okay, it's correct. So मैंने बताया था आपको, it's a masculine archetype in man is called animus. No, it's not called animus, it's called anima. Okay, anima is called in a feminine archetype. Masculine archetype in man जो होता है वो anima होता है. It's in nature of feminine, but in the female feminine archetype is animus, which is the nature of a man. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, बट इसमें अगर आपको पता है तभी आप कर पाएंगे, वरना आप इसे नहीं कर पाएंगे. सो इसके अंदर हो जाएगा आपका सी इनकरेक्ट हो जाएगा दिस वन. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 25. जॉर्ज स्पर्लिंग 1960 डाइट आइकॉनिक मेमोरी यूजिंग. सो पार्शियल रिपोर्ट प्रोसीजर. ओके, पार्शियल रिपोर्ट प्रोसीजर. सो फर्स्ट का A1 इज करेक्ट. मैच लिस्ट, अगेन द क्वेश्चन ऑफ मैच लिस्ट, सब टेस्ट एंड टेस्ट, विजुअल पजल्स रिलेटेड विद द वेस्टबोर्ड, फेमस पीपल रिलेट विद अ कॉफमैन एडल्ट इंटेलिजेंस कैट. ठीक है, एंड मैट्रिक्स पैटर्न ऑटिस लेनन टेस्ट एंड मैट्रिक्स पैटर्न कॉग्निटिव असेसमेंट. इट्स अ डायरेक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन. देखा आपने कितना ईजी है. अगर हम लोग एलिमिनेशन मैथड लगाते हैं तो ए गोज विद वन. सो ठीक है, लेट्स चेक आउट इट. यस, इट्स वर्किंग. हमें इतना भी करने की जरूरत ही नहीं थी. वाई डू इट वेस्ट अवर मोर टाइम टू सॉल्विंग एवरी ऑप्शन. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वन हो जाता. ओके, तो कितना टाइम आप सेव कर सकते हैं, वो आपके किसी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन में काम कर सकता है.
Question number 27, which of the following terms explain the reinforcement which is given only if a specific response is made? ठीक है, so it's a contingent reinforcement actually. ठीक है, reinforcement which is given only if a specific response, अगर बनाया कोई specific response होता है किसी reinforcement पे, तो क्या हो जाएगा, वो contingent reinforcement हो जाएगा. Sorry, now move on to the next question number 28. Assertion reason here. Assertion, a person is scored high on hope of success and high on failure. As per Atkinson's theory, his resultant achievement motivation will be intermediate. Option is right. As per Atkinson, the resultant achievement motivation is a product of hope of success and fear of failure. Product of hope of success. Okay, that is a result of hope of success and fear of failure. So it's also correct. Okay. So it's actually correct. Both statement is correct, and reason is also a correct explanation of assertion. So now move on to the next. Both statement is true and correct explanation over here. Don't see this. Question number 29, assertion and reason here. Personality factors such as D, J, K and P are not incorporated in CATAL 16 personality factor test, right? Okay. And reason, some personality factors appeared only in life data, L data measures. Okay, so both statements are correct, but independently correct. रीज़न इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. आपको दिख भी रहा होगा इसमें हम लोग 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट की बात कर रहे हैं और सम पर्सनैलिटी फैक्टर्स अपीयर्ड ओनली इन लाइव डाटा. हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एल डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, लाइव डाटा के बारे में. तो दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द एजर्शन. ठीक है, सिंपली ये आपको अगर नहीं भी आता है तब भी अगर आपको पता है दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों ही स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट है. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Both the statement is independently correct only. Okay, it's not here. Now move on to the next question number 30. During the which stage of the creative thinking occurs? ठीक है, creative thinking occurs at the time of illumination. Okay, at the time of illumination, that is not correct. Actually, I am just giving you a hint. Preparation. What is preparation? Formulate the problem and collect facts and materials necessary for finding new solution. Okay, that is preparation. Preparation for formulate the problem and collect facts. Okay, second is incubation. If we talk about the incubation, the unconscious thought process of finding a solution to the problem. If we talk about the finding the solution to the problem, that is incubation. Okay, to illumination and access illumination. So the sudden flashes of idea in the mind. Okay, it's a heroic experience. That is a creative thinking, sudden having idea in mind. That is illumination. Next is, if we talk about evaluation, okay, evaluate or verification, evaluate the validity of the solution. Okay, if we talk about the evaluation is evaluate or verification the validity of the solution. Jo bhi hame solution mila hai, uski validity check karna. तो अब आई थिंक आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि वाई वी टॉक अबाउट दैट इल्यूमिनेशन इज करेक्ट. ओके, दिस वन इट्स रॉन्ग. ओके, टू इट्स नॉट आंसर, बिकॉज इंक्यूबेशन के अंदर तो हम लोग इधर अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस में होते हैं जिसमें फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. ठीक है, तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 हियर. Concept and explanation. Disjunctive concept, prototype, conjunctive concept and relational concept. So if firstly tricking in my mind, that is relational concept. This one, showing relationship between object and surroundings. So D match with second option. Now use elimination method. D option second. So here we eliminate this and we eliminate this. So we have only 2 and 4. So now C option, अगर हम check करें D के बाद में, तो first and first, यानी दोनों में ही first है, तो ठीक है, first के साथ में चल जाएगा. Remaining is third and fourth. So now let's check A and B option. Okay, so A and B में से फिर आपको एक पता होना चाहिए, disjunctive. If we talk about that, कि हम लोगों को conjunctive अगर मालूम है तो disjunctive भी मालूम होगा, because just opposite है. ठीक है,
और प्रोटोटाइप भी हम लोग इससे क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें से आता हो, यू हैव एनी सिंगल आइडिया. थर्ड एंड फोर्थ ही हमारे पास में बचे हुए हैं, ठीक है. सो दैट इज कंजक्टिव. व्हाट इज कंजक्टिव? सो आई नो द कंजक्टिव, इट इज क्लास ऑब्जेक्ट दैट हैव टू और मोर फीचर्स इन कॉमन. कंजक्टिव क्या हो जाएगा? टू और मोर फीचर्स इन कॉमन, ओके, दैट इज कंजक्टिव. तो व्हाट इज डिसजंक्टिव? शोइंग द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ सेवरल पॉसिबल फीचर, दैट इज ए गोज विद थर्ड एंड प्रोटोटाइप. एन आइडियल मॉडल रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, दैट इज प्रोटोटाइप, ओके. सो बी गोज विद फोर्थ. सो इफ वी टॉक अबाउट बी गोज विद फोर्थ, सो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हुआ है, ओके. सो नाउ move to the next question number 32. So chimpanzee Sarah, one of the most outstanding achievement was the construction of sentences involving in conditional relationship. Yes, it's correct over here. Conditional relationship, it's a really means good one question. So now move on to the next. In a typical learning experiment, which of the following are used as a dependent variable? Okay, so here they asking in typical learning, okay. In typical learning, if we talk about experiment, which of the following are used as a dependent variable? Dependent variable, probability response, latency, rate of presentation, trials to extinction. Okay, so if we talk about that dependent variable learning behavior mein, the probability of response is right because it's something dependent variable. Latency is right. Rate of presentation, it's not dependent variable, it's independent variable, rate of presentation. And trials to extinction is a dependent variable. So option number A, B and D are correct because they asking a correct option over here. So A, B, D are correct code. A, B, D. So this one, fourth. Okay, so now move to the next question number 34. Explanation of the moon illusion given by apparent distance hypothesis. What is it? Apparent distance hypothesis is the horizon seems more distant than the night sky. ठीक है, horizon जो है वो night sky से भी ज़्यादा आपको distance पर feel हो. That is apparent distance hypothesis. Moon illusion. ठीक है, we talk about the moon illusion. So now move to the next question number 35. Absorptive phase of energy mobilization involves the following events. Arrange them in the correct sequence. Glucose increases, parasympathetic activation, pancreas secretes insulin, glucose enters the body. So it's actually right option and right chronology over here. So glucose increase, then parasympathetic activation, then pancreas secretes insulin, then glucose enters the body. Okay, so that is a correct. Glucose is stored in liver and muscles as glycogen, correct. Fat is stored in adipose cells as triglyceride, it's also correct. So all the sequence are in a already chronology order, so hence we can say this, it's agar aapne padha hua hai tabhi aap ise kar sakte, rather than this you can't be able to find it. Sorry, it's a direct match actually. A, B, C, D, E, F. Yes, option number 2 is correct. A, B, C, D, E, F. Okay, correct sequence given. Now, move to the next question number 36. In a multiple regression analysis, the three predictors explained 49% variance in the criterion variable. What would be the value of multiple correlation? We talk about the variance, covariance, okay, criterion variable. So that is correlation. So 49% means 1 minus 0.49. So, sorry, 1 minus 0.49, it's equal to 0.51%. Okay, so option number 3 is correct here. Again, it's wrong. Option number 4 not. Option number 3 is correct. Okay, so now move to the question number 37. It's again assertion and reason. The analysis of time series designs often involve the problem of autocorrelation. Okay, reason quasi experiments as compared to laboratory experiments do not control secondary variance efficiently. Okay, so both the statement are independently correct.
ठीक है, बिकॉज क्वासी एक्सपेरिमेंट एज कम्पेयर टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इट्स डिफरेंट. द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डिजाइन इन्फो ऑफन इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन इट्स डिफरेंट. सो बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, बट करेक्ट रीजन इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. मतलब ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे ना, ठीक है. हमें क्या बताना होता है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हो बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो अब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है. इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. क्वासी एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी बात नहीं हो रही है, ठीक है. सो इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए तभी आप इसे कर पाएंगे. नाउ फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन नंबर 38. फ्यूचर ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक्स कंसिस्ट ऑफ MBO 3608 अप्रेजल, साइकोलॉजिकल अप्रेजल एंड बार्स, ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट दैट MBO 368 ओके अप्रेजल एंड साइकोलॉजिकल अप्रेजल एंड बार्स, फ्यूचर ओरिएंटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक क्या किस चीज़ को कंसिस्ट करेगी, कंसिस्ट पूछा है, तो MBA को करेगी ओके 360 डिग्री अप्रेजल को करेगी. एक्चुअली ये 8 नहीं है, ये है 360 डिग्री, समथिंग वेंट रॉन्ग हियर, ठीक है. तो 360 डिग्री अप्रेजल एंड इसके बाद में आपका आएगा साइकोलॉजिकल अप्रेजल, बार्स इसमें नहीं है ओके. दैट इज़ एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया हुआ है, दिस इज 360 डिग्री ओके. दैट इज 360 डिग्री अप्रेजल ओके. सो ऑप्शन ए बी सी इज करेक्ट, बार्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा. इन ग्रुप काउंसलिंग व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ग्रुप डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है. तो ग्रुप काउंसलिंग के अंदर बात हो रही है, ग्रुप काउंसलिंग करेक्ट सीक्वेंस बताने स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, क्या बताना है हमें स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. सो फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, मॉर्निंग, स्टॉर्मिंग ओके एंड देन परफॉर्मिंग ओके. सो फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, मॉर्निंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, तो इसे हमें मैच करना है. तो सबसे पहले आ जाएगा फॉर्मिंग फर्स्ट, देन स्टॉर्मिंग, यस फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग, उसके बाद में आपका हो जाएगा फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग के बाद में नॉर्मिंग दिस वन, देन हो जाएगा आपका नॉर्मिंग के बाद में परफॉर्मिंग, देन लास्ट वन इज मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग और एडजर्निंग. सो फॉर्मिंग हो जाएगा फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग के बाद में परफॉर्मिंग, फिर मॉर्निंग और एडजर्निंग, ठीक है. तो दिस वन द सीक्वेंस. तो आपका हो जाएगा ए डी बी, ए डी बी ई, ए डी बी ई, यस दिस वन, ए डी बी ई सी ओके. दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर टू. So now move to the next question number 40, assertion and reason over here. Assertion is pre-operational child is incapable of performing operation. सही बात है, pre-operational child है, incapable रहेगा वो कुछ भी task को perform करने में. Then reason, explanation की क्यों रहेगा ऐसा, क्यों होगा, why it's just happened. Pre-operational child cannot mentally rearrange a sequence of events into reverse order. Because वो क्या है, pre-operational child है, कि नॉट मेंटली रीअरेंज, जो दिमागी तौर पे क्या नहीं कर सकते हैं, रीअरेंज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इनटू रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर सकता. बिकॉज वो कैसा चाइल्ड है, वो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड है, इनकैपेबल है परफॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए. तो एजर्शन जो यानी स्टेटमेंट जो ऊपर दिया हुआ है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है. बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओके. सो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट वन. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 41 ओवर हियर, एजर्शन फॉर एक्स्ट्रावर्जन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कोरिलेटेड मोर देन द डाइजाइगोटिक ट्विन्स, इट्स इनकरेक्ट सॉरी. बिकॉज फॉर एक्स्ट्रावर्जन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कोरिलेटेड लेस देन द डाइजाइगोटिक ट्विन्स, क्या याद रखना है आपको, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, ठीक है, correlated less than the dizygotic twins extraversion में. Then reason is extraversion has genetic basis. Extraversion क्या है, genetic basis है. तो this statement is correct and this statement assertion is incorrect because इन्होंने more than दिया हुआ, अगर यहाँ पर less than देते तो ये सही हो जाता, यानी कि monozygotic twins जो हैं वो अगर correlate करते हैं dizygotic twins से तो less than, ठीक है, या फिर यहाँ पर दिया होता dizygotic twins correlated more than the monozygotic twins, तब ये सही हो जाता, ठीक है. तो assertion is
फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन कलर दिया हुआ है. सो दिस इज हाउ वी कैन शॉर्ट आउट द क्वेश्चन एंड आंसर. यस, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 42. ड्यूरिंग ऑटोबायोग्राफिकल रिकॉल वी ऑफन रिवील अ डैश एज अ कॉन्सिक्वेंस अवर मेमोरी ऑफ द पास्ट मे बी. सो देखिए इसका हो जाएगा आपका कंसिस्टेंसी बायस एंड एनहेंस. ओके, कंसिस्टेंसी बायस एंड एनहेंस. ओके, सो कंसिस्टेंसी बायस. यहाँ पे कुछ गलत दिए हुए हैं बट इट्स ओके, हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं. मोटो आपको यहाँ से आंसर देना नहीं है मेरा, मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ इसे इसके लिए. सो ड्यूरिंग ऑटोबायोग्राफिकल रिकॉल जब हम करते हैं, वी ऑफन रिवील कंसिस्टेंसी बायस एज अ कॉन्सिक्वेंस अवर मेमोरी ऑफ द पास्ट मे बी एनहेंस होती है. ओके, सो दिस वन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43. पर्संस विद अ लेजन एट द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस आर लाइकली टू ओवर इट. वेंट्रोमीडियल जो न्यूक्लियस होता है VMH, ओके, सो दैट इज ओवर इट. ओके, वेंट्रोमीडियल में. सो आप इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट पढ़ सकते हैं, दैट विल बी हेल्प टू यू कि आगे इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 44. द परसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट वी सेंस, व्हाट वी नो, व्हाट वी इन्फर, व्हाट वी कन्फर्म. ओके, सो द परसेप्ट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट वी सेंस, ओके, सो व्हाट वी सेंस, देखिए परसेप्शन की बात हो रही है. ठीक है, व्हाट वी सेंस, किसके ऊपर हमारा परसेप्शन होता है. तो व्हाट वी सेंस, व्हाट वी नो, ठीक है, एंड व्हाट वी कन्फर्म, हम क्या कन्फर्म कर रहे हैं. ओके, इन्फर के ऊपर नहीं होते, इन्फर नहीं आएगा इसमें. तो ए बी डी करेक्ट हो जाएगा आपका, दिस वन. ओके, ए बी डी आर करेक्ट. अगेन इट्स रॉन्ग हेयर. देखिए ये करेक्ट नहीं होगा, ए बी डी करेक्ट होगा. कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन मैच लिस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. यस, क्वेश्चन नंबर 45 कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. देखिए फ्रेनोलॉजी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, प्लास्टिसिटी एंड ट्विन स्टडीज. इफ वी टॉक अबाउट दैट, सबसे पहले अगर कुछ स्ट्राइक करता है तो वो क्या करेगा. देखिए दैट इज़ अ ट्विन स्टडीज और प्लास्टिसिटी. तो प्लास्टिसिटी से करते हैं. यस, प्लास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंज टेम्परली एंड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, टेम्परली चेंजेस कर जाता है प्लास्टिसिटी में, बट एक्सटेंड किया जा सकता है उसके पीरियड ऑफ टाइम को. तो देखते हैं एलिमिनेशन मैथड काम करते हैं. नहीं, सी गोज विथ थर्ड. ओके, सी गोज विथ थर्ड. यस, इट्स वर्किंग, दिस वन इज करेक्ट. देखिए ये मैच नहीं होता, ये भी मैच नहीं होता, एंड नेक्स्ट वन इज सी का सेकेंड. सो ऑल थ्री इज एलिमिनेट. तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो गया. ठीक है, प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट इज फ्रेनोलॉजी, फील्ड दैट लोकेट्स एरियाज ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर फंक्शनिंग, दिस वन. ठीक है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर फंक्शनिंग क्या है, फ्रेनोलॉजी है. सिलेक्टिव ब्रीडिंग, नेक्स्ट, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज एन अप्रोच टू एस्टैब्लिश जेनेटिक बिहेवियर रिलेशनशिप थ्रू मेटिंग ऑफ सक्सेसिव जनरेशन विद अ पर्टिकुलर ट्रेट. तो ये हो जाएगा आपका सिलेक्टिव ब्रीडिंग. नेक्स्ट वन हम कर चुके हैं, सी का था. तो ट्विन स्टडीज क्या होगा, एन अप्रोच टू एस्टैब्लिश ऑफ जेनेटिक बिहेवियर रिलेशनशिप थ्रू द कंपैरिजन डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी अमॉन्ग द आइडेंटिकल ट्विन फैटर्नल ट्विन्स एंड नॉन ट्विन सिबलिंग्स. तो दैट इज अ ट्विन स्टडी. ओके, सो डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चन ओवर हियर. तो देख सकते हैं आपको सबको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना था, आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर लेना था. तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट वाला कोड मिल जाता, इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता. ओके, सो दिस इज़ द पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 ओवर हियर हमारा पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. देखिए अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो वी नीड टू सेव अवर टाइम. तो हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स हमें कुछ पढ़ने पड़ेंगे. रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजी, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसाइज दैट अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड सिस्टम. ठीक है, किसी रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, फास्ट रिएक्शंस की बात हो रही है. किसके लिए हाइपोथेसिस लिया गया, फॉर फास्ट रिएक्शन वुड इम्प्रूव, मतलब फास्ट रिएक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है द रिएक्शन टाइम. सपोज कि अगर हम किसी रिएक्शन देने में पाँच मिनट लगाते थे, अब हमारा ये चाहता है कि फास्ट रिएक्शन के लिए रिवॉर्ड दिया जाए और हमारा जो टाइम है वो पाँच मिनट से
कम हो जाए, यानी कि 1 मिनट कम हो जाए, 2 मिनट कम हो जाए, मतलब 5 मिनट हो तो 4 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए, 3 मिनट हो जाए, या 4.5 मिनट हो जाए, ठीक है। तो वो क्या जा रहा है, इंप्रूवमेंट जा रहा है। इंप्रूवमेंट कैसे जा रहा है कि 5 मिनट जो पहले मेरा रिएक्शन टाइम था वो रिवॉर्ड के बाद में कम हो जाना चाहिए। यही मीनिंग है इस लाइन का। ये आपको समझ में आ गया तो आप आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस टू वेरीफाई दिस हाइपोथेसिस ही सिलेक्टेड 40 सब्जेक्ट्स इन द रेंज ऑफ 25 to 35 ईयर्स फ्रॉम एन ऑर्गनाइजेशन, ठीक है। फॉलोइंग द स्टैंडर्ड रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट मेजर और सिंपल रिएक्शन टाइम विदाउट द रिवॉर्ड सिस्टम बाय टेकिंग ईच ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट टाइम इंटरवल बिटवीन द रेडी सिग्नल एंड ऑनसाइट स्टिमुलस वॉज रैंडमली वेरीड, ठीक है। रैंडमली वेरीड कर रहा है बिटवीन 2 to 5 सेकेंड, कितना ले रहा है वो, 2 to 5 सेकंड के भी अंतर को वो लोग मेंशन कर रहे हैं। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिवॉर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लास्ट का पढ़ लेते हैं। द मीन रिएक्शन टाइम बिफोर द इंट्रोडक्शन टू रिवॉर्ड सिस्टम क्या था, बिफोर द रिवॉर्ड सिस्टम 210 मिली सेकेंड था। एंड देन मीन रिएक्शन टाइम आफ्टर द इंट्रोडक्शन रिवॉर्ड सिस्टम, जब रिवॉर्ड सिस्टम ले आए तब क्या हो गया, 250 मिली सेकेंड हो गया। डिफरेंस बिटवीन द टू मीन वॉज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 0.1 लेवल, यानी हम सिंपली अगर देखें 210 मिली सेकेंड पहले था जब रिवॉर्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, और जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया तब क्या होगा, 250 मिली सेकेंड। इसका मतलब वो चाहता था कि टाइम रिड्यूस हो जाए इंप्रूवमेंट में, बट इंप्रूवमेंट में टाइम जो था वो बढ़ गया, ठीक है। 40 मिली सेकेंड यहाँ पर बढ़ गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के केस स्टडी के क्वेश्चन में क्या होगा, इन द अबव स्टडी द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस इज, ठीक है। सबसे पहले तो ये कैसा हाइपोथेसिस है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 to 5 सेकंड मिली सेकेंड का भी वो लोग डिफरेंस देख रहे थे, तो ये एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर इवेल्युएटिंग द मीन डिफरेंसेस, तो इसके अंदर हमने कौन सा लिया है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, पेयर सैम्पल टी टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, या रिपीटेड अनोवा। ओके, सो इसके अंदर आपका हो जाएगा पेयर्ड सैंपल टेस्ट, ओके दिस वन, एंड हो जाएगा मैन विटने यू टेस्ट दिस वन। ये दो टेस्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे, बी एंड सी। ओके, सो बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया हियर। ये यहाँ पे सी है एक्चुअली, बी एंड सी, ये वाला करेक्ट है इसमें, बी ऑप्शन है इसके अंदर और सी ऑप्शन है, यही दिया हुआ है इसमें यहाँ पे। यस, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टडी। अब इसके अंदर हम देखें कि कौन सा, द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस हैज बीन एक्सेप्टेड, द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड, द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस हैज बीन पार्शियली एक्सेप्टेड, या वेरीफाई हाइपोथेसिस। तो इसमें हो जाएगा, देखिए, रिसर्चर्स हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड, बिकॉज उसने जो एज्यूम किया था वो किया था कि इम्प्रूव करके टाइम को हम कम कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, टाइम बढ़ गया। तो इस तरीके का हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 49, एजर्शन एंड रीजन। इन द अबव स्टडी द 4 पीरियड्स वर रैंडमली वेरिड, करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला। रैंडम वेरिएशन ऑफ द 4 पीरियड रिड्यूसेस द फॉल्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर जो रैंडम वेरिएशन दिया था 4 पीरियड्स के, रिड्यूसेस द फॉल्स रिएक्शन, ठीक है। तो बोथ करेक्ट, जो बोथ स्टेटमेंट है ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी इट्स ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इन दिस एक्सपेरिमेंट रिएक्शन टाइम कैन बी लेबल्ड एज, तो रिएक्शन टाइम जो इसके अंदर रिएक्शन टाइम है वो देखा जाएगा आपका, क्योंकि ये मतलब एक तो कंटिन्यूस दिया रहा है 2 to 5 सेकेंड इस तरीके से, तो कंटिन्यूस वेरिएबल ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है कंडीशंस पे, स्टिमुलस वेरिएबल एंड बिहेवियर वेरिएबल। तो स्टिमुलस तो नहीं है क्योंकि हमने इसमें कोई स्टिमुलस वेरिएबल नहीं देखा, बिहेवियर वेरिएबल जरूर है। तो ए बी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए बी डी आर करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द, ओके ठीक है, इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक इसे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, कीप कंटिन्यू वॉचिंग, और अगर कोई सजेशन है तो आप मैसेज दे सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके वीडियो के नीचे। लाइक एंड सब्सक्राइबर्स।